हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आपके सामने एक चित्र है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पहले चित्र में एक परिवार आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये सुखू हैं जो कि एक कुम्हार हैं और इसके दो बच्चे हैं एक का नाम सुखना है लड़की का नाम सुखना और ये उसका छोटा भाई है और ये इनकी पत्नी है तो यहाँ पर सुखू क्या कह रहे हैं कि मैंने आज दिन में पचहत्तर दिए बनाए थे और मेरे पैंतीस दिए उसमें से बिक गए तो मैं देखता हूँ गिनकर कि आज मेरे पास कितने दिए बच गए तो दूसरे चित्र में जो बचे हुए दिए हैं सुख उनको गिनना शुरू करते हैं वो गिनते हैं इस तरह से एक दो तीन चार तो तभी बीच में ही उनकी बेटी सुखना उनको रोकती है और वो कहती है कि हम इन्हें एक और तरीके से गिन सकते हैं या देख सकते हैं कि कितनी इसके अंदर दिए हमारे आज बचे हुए हैं तो यहाँ इस चित्र में आप देखिए सुखना कैसे करती है सुखना ने क्या किया जितने दिए बचे हुए थे हर दिए के बदले उसने दीवार पर एक लाइन खींच दी और ऐसे जितने भी दिए थे सबके बदले एक एक लाइन खींच दी और अब वो इन लाइन को गिनती है सुखना ने एक काम और किया कि एक रो के अंदर उसने दस ही लाइन खींची उसके अंदर फिर से दूसरी रो स्टार्ट की उसने तो इस तरह करते करते कितनी रो आ गई यहाँ पर चार रो बनी है और एक रो में कितनी है लाइनें दस तो चार रो में बन गई हमारी चालीस तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बचे हुए दिए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई चालीस तो उसका छोटा भाई कहता है अरे ये तो बड़ा आसान तरीका है तो वो पूछता है कि क्या कोई और भी तरीका हो सकता है अपनी बहन से पूछ रहा है कि किसी और तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं तो उसकी बहन सुखना उसको बताती है कि हाँ हम एक गिनलड़ी की मदद से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं तो आइए देखें कि गिन लड़ी की मदद से हम इसे कैसे पता कर सकते हैं कि कितने दिए उनके पास बचे हुए हैं तो हम एक गिन लड़ी ले, ले लेते हैं ये गिन लड़ी है जैसा कि हम जानते हैं गिन लड़ी के अंदर दस दस मोतियों के ग्रुप बने हुए होते हैं तो अगर हमें ये देखना है कि सुखू ने जो है पचहत्तर दिए बनाए थे और पैंतीस उसके बिक गए और कितने बचे हुए हैं तो हम क्या करते हैं पहले पचहत्तर इसके अंदर काउंट करते हैं तो पचहत्तर काउंट करने के लिए दस दस के हमें सात ग्रुप लेने पड़ेंगे और एक एक के मोती हमें पाँच लेने पड़ेंगे तो पहले सात ग्रुप लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात सात ग्रुप यहाँ तक हो गए और पांच मोती और ले लेते हैं एक दो तीन चार पाँच तो अब यहाँ तक हो गए पचहत्तर अब इसमें से पैंतीस बिक गए हैं तो पैंतीस के लिए हम क्या करते हैं पांच तो यही ले लेते ले ले हैं बिक गए का मतलब कम हो गए तो हम इसको वापस गिनना शुरू करते हैं पैंतीस तो पाँच तो हमारे यही हो गए पाँच ये निकल गए बाकी रह गए तीस तो तीस के लिए हमें तीन ग्रुप दस दस के और कम करने पड़ेंगे तो वो हमने करा एक ग्रुप दो और तीन तो यहाँ तक कम हो गए पैंतीस कम हो गए तो जो बचे हुए हैं ये हमारे हैं दिए कि कितने दिए बच गए तो ये पूरे पूरे ग्रुप बचे हुए हैं तो हम इन्हें गिन सकते हैं एक ग्रुप दो तीन और चार चार ग्रुप बचे हुए हैं और एक ग्रुप में है दस तो इसका मतलब चालीस जो हैं दिए उनके बचे हुए हैं तो ये हमने गिन लड़ी की मदद से पता किया कि कितने दिए बचे हुए हैं ऑल राइट right. आगे चलते हैं कि बिना गिन लड़ी के इसे कैसे करें सुखना जो है वो कह रही है कि अगर किसी के पास गिन लड़ी नहीं हो तो हम इसे कैसे हल करेंगे तो उसका भाई बताता है कि कोई बात नहीं हम इसे संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं तो आइए हम देखें संख्या रेखा पर ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखना का जो भाई है वो बता रहा है कि यदि मुझे उन्नीस में से पंद्रह लेने हैं तो मैं पहले उन्नीस पर जाऊँगा और उसके बाद पंद्रह कदम पीछे जाऊँगा तो संख्या रेखा पर वो कह रहा है कि 19 में से अगर 15 लेने तो पहले हम कहाँ जाएंगे 19 पर जाएंगे सीधा तो ये है हमारा 19 यहाँ हम गए उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ से हम पंद्रह कदम पीछे चलेंगे तो पंद्रह कदम हम काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो हम कहाँ पर पहुँच गए चार पर तो इसका मतलब उन्नीस में से अगर हम पंद्रह कदम जैसे पीछे लिया पंद्रह हमने घटाए इसके अंदर तो कितने बचे उसमें चार तो इस तरह से संख्या रेखा पर भी संख्याओं को घटाया जा सकता है संख्या रेखा पर ही घटाने का एक और तरीका हम देखते हैं जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लें कि 19 में से 15 को अगर हमें घटाना हो तो इसका एक आसान तरीका क्या हो सकता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले उसी तरह से 19 पर जाएंगे ये गए हम 19 पर और उसके बाद अगर हमें 15 पीछे जाना है तो पहले 10-10 के ग्रुप में हम पीछे चले जाते हैं जैसे 19 पर हैं तो 19 में आप जानते हैं दहाई का एक है और इकाई के इसमें नौ अंक है तो 15 पीछे जाने के लिए एक दहाई पीछे जाना है और पांच स्टेप और पीछे जाने तो 19 में से एक दहाई कम कर देंगे तो हम सीधा नौ पर पहुंच जाते हैं एक दहाई हमने कम किया नौ पर पहुंच गए और नौ पर पहुंचने के बाद पाँच और कदम पीछे जाना है तो एक दो तीन चार पाँच तो फिर से हम कहाँ पहुँच गए चार पर तो बार बार कदम गिरने की जगह हम सीधा दस दस के ग्रुप में पीछे जा सकते हैं तो ये और आसान हो जाता है संख्या रेखा पर करना उसके बाद हम चलते हैं कि ब्लॉक्स की मदद से हम कैसे घटा के सवालों को हल कर सकते हैं तो यहाँ एक सवाल आप देख पा रहे होंगे 37 में से हमें 24 माइनस करना है तो हम ब्लॉक्स की मदद लेते हैं तो 37 पहले तो हम देख लेते हैं 37 के लिए हमें कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे 10 10 के तीन लेने पड़ेंगे और इकाई के हमारे पास कितने हैं एक एक के सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन ये हमने ले लिए थर्टी सेवन थर्टी सेवन में से ट्वेंटी फोर हमने माइनस करना है तो ट्वेंटी फोर में दहाई के कितने हैं टू और इकाई के हैं फोर तो, तो पहले तो दो दहाई के इसमें से कम कर देते हैं कम यानी हमने निकाल दिए और एक एक के कितने निकाल लें चार तो वो भी निकाल देते हैं एक दो तीन और ये चार ये हमने उसमें से निकाल दिए माइनस कर दिए तो अब हमारे पास कितने बच गए हम इन्हें काउंट कर सकते हैं दस दस का बच गया हमारे पास एक और एक एक के कितने बच गए तीन यानी दस -दस, दस दस का बचा एक और एक एक के कितने बच गए तीन तो यहाँ आप देख सकते हो कि सैंतीस में से अगर हम चौबीस घटाएंगे, तो कितने बचेंगे तेरह तो ब्लॉक्स की मदद से ऐसे भी घटाया जा सकता है आगे देखिए मालाओं से घर की सजावट तो यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ज्योति है अपनी माँ के साथ और वो मालाएं बना रहे हैं तभी जो है ज्योति की माँ आती है और उसको बोलती है ज्योति को कि मुझे जो है एक माला और आठ फूल चाहिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ज्योति के पास चार मालाएँ एक दो तीन चार और छः खुले फूल हैं लेकिन उसे अपनी माँ को एक माला और आठ खुले फूल देने हैं तो एक माला तो वो दे सकती है लेकिन छः खुले हुए फूल हैं देने उसको आठ हैं तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे तो यहाँ आप अगले इसमें भी देख पा रहे हैं आप ज्योति के पास जो मालाएं हैं चार मालाएं एक दो तीन चार और छः खुले फूल जिसे हम संख्याओं में अगर लिखें तो चार मालाओं का मतलब चार दहाई के हो गए और छः खुले फूल छियालीस लिख सकते हैं अब उसकी माँ को जो है चाहिए कितने एक माला और आठ खुले फूल एक माला का मतलब एक दहाई दस और आठ खुले फूल तो यानी इसमें से हमें अट्ठारह कम करने हैं तो वो कैसे कम करे जाएंगे इसका कैसे समाधान निकाला जाए ज्योति ने क्या किया उसके पास छः खुले फूल थे लेकिन उसे देने थे आठ तो उसने क्या किया एक माला को उसमें से तोड़ दिया यानी खोल दिए और उसके सारे फूल अलग कर दिए दस के दस फूल तो अब उसके पास तीन मालाएं और दस खुले फूल ये और छः उसके पास पहले थे यानी सोलह खुले फूल हो गए और तीन मालाएं रहेगी तो अब उसमें से वो क्या करती है एक तो माला मम्मी को दे देती है अपनी और आठ खुले फूल अब उसमें से वो दे सकती है ये वाले आठ खुले फूल दे दिए और एक माला दे दी तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कितने बच गए ज्योति के पास दो तो पूरी मालाएं बच गई और खुले फूल बच गए उसके पास आठ तो इसको अगर हम संख्याओं में लिखें तो दो मालाओं का मतलब दो दहाई के हो गए और आठ खुले फूल हो गए यानी अट्ठाईस तो उसके पास अट्ठाईस फूल बच गए तो ये एक तरह से घटा का सवाल है तो उसे हम इस तरह से मालाओं की मदद से कर सकते हैं इसी घटा को घटा के सवाल को हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन वही है छियालीस में से अठारह को घटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इकाई के अंकों को घटाते हैं लेकिन आप इकाई के अंक अगर यहाँ देखेंगे छः में से हमें आठ को घटाना है जिसे कि नहीं घटाया जा सकता तो हम क्या करते हैं जैसे हमने मालाओं में किया था कि दस की एक माला को हमने तोड़ा था तो हम यहाँ क्या करते हैं दहाई में से एक ले लेते हैं इधर और उसे खोल लेते हैं जैसे एक दहाई हमने चार में से एक दहाई इधर ली और उसे खोला तो दहाई को जब खोलते हैं तो उसमें से दस निकलते हैं तो इस दस को जब छः में जोड़ेंगे आप यहाँ देखिए क्या किया हमने नेक्स्ट उसमें कि चार में से एक दहाई ली तीन दहाई रह गई यहाँ पर और उस दहाई को जब यहाँ ले गए खोला हमने उसको तो दस और छः तो यहाँ इकाई बन गई हमारे पास सोलह तो अब हम 16 इकाइयों में से 8 इकाई को घटा सकते हैं तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ दहाई के अंक आप देख सकते हो तीन दहाई के बचे हुए हैं यहाँ पर और एक उसमें से घटाना है तो ये कितने बचेंगे दो तो इस तरह से भी हम घटा के सवालों को कर सकते आगे देखते हैं एक आपके सामने एक चित्र नज़र आ रहा है इसे हम बोलेंगे जोड़ने का पिरामिड तो इसमें एक्चुअल में आपको क्या करना है नीचे कुछ नंबर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें दो नीचे वाले दो नंबरों का जोड़ ऊपर आना चाहिए एक इसमें करके भी दिखाया हुआ है जैसे छः और चार को जोड़ेंगे तो दस आता है इसी तरह से चार और तीन को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा सात तो इस तरह से इस पिरामिड को हम ऊपर की तरफ बनाते जाएंगे ये वाला जोड़ इसमें करके दिया हुआ है अब आगे चलते हैं जैसे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें दस और सात को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सत्रह ऐसे ही सात और ग्यारह को हम जोड़ें तो कितना आएगा अठारह तो अब इन दोनों को जोड़ें सत्रह और अठारह को तो ये कितना आ जाता है पैंतीस तो इस तरह से एक पिरामिड बन गया संख्याओं का जो जोड़ से रिलेटेड था इसी तरह से एक घटा से रिलेटेड भी पिरामिड होता है घटाने का पिरामिड बोलते हैं इसको हम तो इसमें हम उल्टा चलते हैं जोड़ में हम नीचे से ऊपर की तरफ चले थे यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें क्या करना है जैसे एक संख्या है हमारे पास सैंतीस और एक इधर सोलह दे रखा है तो इस सैंतीस में से इस सोलह को घटाना है तो अगर हम इसको घटाएं इकाई में से इकाई को घटाएं तो यहाँ एक आया और तीन में से एक को घटाया तो दो आया यानी यहाँ इक्कीस आ गया उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ देखिए यहाँ हमने थर्टी सेवन को दो नंबर्स में ब्रेक करा दो में तोड़ा इसको ऐसे यहाँ सोलह को दो में तोड़ना है जिसमें से एक हमारा दस है तो दूसरा कितना होना चाहिए तो ये हम घटा के निकाल सकते हैं सोलह में से दस को घटाया तो कितना आया यहाँ पर छः ऐसे यहाँ पर इक्कीस को तोड़ना है दो में एक संख्या दस है तो दूसरी निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे इक्कीस में से दस तो यहाँ ग्यारह बचते हैं ऐसे ही बढ़ते जाएंगे यहाँ पर छः को फिर से तोड़ना है दो नंबर्स में जिसमें एक छः होना चाहिए तो दूसरा कितना होना चाहिए यहाँ पर जीरो छः में से छः को घटाएंगे ज़ीरो फिर यहाँ पर इसको तोड़ना है दस को तोड़ना है जिसमें से एक संख्या हमारे पास छः है तो दूसरा कितना होना चाहिए चार और यहाँ पर ये यह पूरा हो गया हमारा पिरामिड घटाने का पिरामिड आगे फिर से एक जोड़ना और घटाने दोनों से रिलेटेड एक हमारे पास एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देखिए नंबर हैं इस बार बीस तीस और पचास तो इसमें प्लस के अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाने हो तो बीस में हम क्या जोड़ें इसके अंदर तीस अगर हम जोड़ दें तो ये पचास बन जाता है यहाँ पर बीस लिखेंगे तो ये भी पचास बनेगा और दूसरी बार पचास में से हम बीस घटा देते हैं तो ये तीस आ जाता है तो इस तरह से हम डिफरेंट जोड़ने और घटाने के रिलेशन तीन नंबर्स के बीच में बना सकते हैं और देखते हैं एक और इसके अंदर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको क्या करना है कि जो बॉक्सेस के अंदर नंबर हैं जैसे उसको हम यूँ देखें वर्टिकल या हॉरीजेंटल तो बॉक्सेस वाले नंबर्स का सम बीच में आना चाहिए कुछ इस तरह से हमें इसको बनाना है तो यहाँ पर जैसे दो नंबर दे रखे हैं तो किन दो को जोड़कर कर नौ बनेगा यहाँ पर हमें देखना है एक में कितना जोड़ें कि वो नौ आए तो एक में अगर हम आठ जोड़ देंगे तो ये नौ बनेगा ऐसे ही एक में कितना जोड़ें कि ये पाँच बने एक में चार जोड़ेंगे तो पाँच बनेगा ऐसे ही चार में कितना जोड़ें कि ये दस बने तो छः जोड़ने से और यहाँ पर छः और आठ को जोड़ने से चौदह बन रहा है ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह है साथ में कितना जोड़ें कि नौ आए तो साथ में दो जोड़ेंगे तो नौ आएगा दो में कितना जोड़ने पर दस आएगा आठ जोड़ने पर और आठ में कितना जोड़ने पर तेरह आएगा पाँच और यहाँ सात में पाँच जोड़ने पर बारह आता है तो बच्चों आज आपने देखा कि हमने कैसे बड़े ही रोचक और आसान तरीकों से दो अंकों की संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा आप भी खेल खेल में अपने घर और स्कूल के अंदर दो अंकों की संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सवाल हल करते रहिए